हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज़ की, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। एडवर्टाइजमेंट के कुछ मीडिया थे, कुछ मीडियम्स थे, उन्हें डिस्कस किया था। हमने एडवर्टाइजमेंट के कुछ फ़ायदे देखे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजमेंट करने से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, उन एडवांटेजेस के बारे में हमने देखा था। हमने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके, जैसे कि हम इंडोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को काम में ले सकते हैं, मैगजीन्स को काम में ले सकते हैं, और भी मैनी जो हमारे मेथड थे उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए, आज की क्लास में, आज के मॉड्यूल में हम एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक भी होते हैं। तो आज हम उस एडवर्टाइजमेंट के ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन्हें ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मॉड्यूल में। यानी हमें एडवर्टाइजमेंट से जो जो डिसएडवांटेजेस हुए हैं वो सब हम यहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है डिसएडवांटेजेस के अंदर, वो लिखा है लेस इफेक्टिव। कभी ना कभी एडवर्टाइजमेंट एक पर्सनल सेलिंग के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है। आप मेरी बात को ढंग से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन या कोई मार्केटर जो एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, वो आपसे इंडिविजुअली पर्सनली मिलता है और आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है, तो होता है कि वो आपको डायरेक्टली क्या कर पा रहा है, आपको डायरेक्टली मोटिवेट कर पा रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि आप उसके प्रोडक्ट को क्या करें, परचेस करें। बट एडवर्टाइजमेंट में ऐसा पर्सनल कॉन्टैक्ट या पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अंदर क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं क्या होती है, लेस इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू पर्सनल सेलिंग। तो देखिए, यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक नॉन पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक बार दिखा दिया जाता है टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट करके उसे लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, एफएम रेडियो के थ्रू लोगों को सुना दिया जाता है, मगर उसको हम कम्युनिकेशन नहीं मानते, एक नॉन पर्सनल फॉर्म है वो कम्युनिकेशन की। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड लेसर इफेक्टिव देन पर्सनल सेलिंग। वही बात आ गई कि पर्सनल सेलिंग के कंपैरिजन के अंदर ये कम इफेक्टिव है। एंड ऑडियंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे अटेंशन एवरी टाइम ऑन एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड और डिस्प्ले। और जब आप टीवी पे या फिर एफएम रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट को सुना रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि हमेशा जो कंज्यूमर है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो उसको देखें और वो उसको सुने। यार, अक्सर हम लोग कोई मूवी चैनल देख रहे होते हैं और मूवी चैनल पे मूवी में ब्रेक आ जाता है, तो हम दूसरे चैनल की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो लेस इफेक्टिव है। हाँ, ठीक है, एडवांटेज की अगर बात करें तो वाइडर स्कोप है, बहुत दूर तक, बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है, मगर डिसएडवांटेज क्या है, लेस इफेक्टिव है, प्रभावशाली कम है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है डिफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पॉइंट क्या करें, एडवर्टाइजमेंट मोटिवेट कंज्यूमर टू परचेज प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट डेम टू द शॉप, बट इफ द सेलर इज इनइफेक्टिव हिमसेल्फ देन द एडवर्टाइजमेंट लॉस देयर इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब क्या है, आपने बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट तैयार किया है, आपने बहुत अच्छा उसको इफेक्टिव बनाया है, वो लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि लोग आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस करें, और लोग उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके, उस एडवर्टाइजमेंट से मोटिवेट होके जहाँ आपका प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट तक पहुँच भी रहे हैं, उसको लेने के लिए मार्केट के अंदर जा भी रहे हैं, मगर जैसे ही वो शॉप पे, उस स्टोर पे उस प्रोडक्ट को लेने पहुँचे, तो वहाँ पे जो सेलर था, वो सेलर अगर इफ़ेक्टिव नहीं है, उसका बात करने का तरीका, उसका कम्युनिकेशन कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट की फ़ीचर्स के बारे में समझाने के लिए, अगर उसमें ये सब एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो आपने इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाया था वो भी अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ देगा। तो पहला क्या है, लेस इफेक्टिव। ये किस बिहाफ पे लिखा हुआ है, ये कंपैरिजन किया गया पर्सनल सेलिंग के बिहाफ पे, कि पर्सनल सेलिंग नहीं होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। दूसरा क्या है, डिफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे उल्टा बताया कि एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है, अब पर्सनल सेलिंग कम पड़ गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो दोनों चीज़ें ही, दोनों पहलू है, और दोनों को किस में बताया गया, डिसएडवांटेजेस के अंदर बताया गया। क्लियर है? थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है पुअर फीडबैक। अब देखिए, जब आप पर्सनल सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको हमेशा इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि भाई आपने किसी को समझाया हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप लेंगे या नहीं लेंगे, बंदे ने कह दिया नहीं मुझे नहीं लेना, तो आपको फीडबैक मिल गया, बंदे ने कह दिया लेना है तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल गया। बट एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है, हाउ मच इफेक्टिव हैज़ द एडवर्टाइजमेंट बीन इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर सिंस देयर इज़ नो मीन ऑफ असेसिंग and records its effectiveness as soon as it's seen by the consumer lack of immediate feedback. कि भाई lack of immediate feedback आपको advertisement में नहीं मिलेगा। क्लियर है?
लैक ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो मीडिया हमने डिस्कस किए थे, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, एफएम रेडियो, सैंडविच मैन एक्सेट्रा, अगर आपने वो अप्रोप्रिएट सही काम में नहीं लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो इफेक्टिव यहाँ पे नहीं रहेगा। वाइल चूजिंग द एडवर्टीजमेंट मीडिया, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट मीडिया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ परचेज शुड बी केप्ट इन टू फोकस। इन एब्सेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट बिकम इन इफेक्टिव एंड इरेलीवेंट। भाई आप जब एडवर्टीजमेंट मीडिया को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप कॉस्ट का ध्यान रखो, अपने प्रोडक्ट के नेचर का ध्यान रखो, परचेजर्स के नेचर का ध्यान रखो, उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को खरीदो। तो अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट का मीडिया अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इफेक्टिव नहीं होने देगा आपके एडवर्टाइजमेंट को, कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है? देन उसके बाद है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, आप एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेच देते हो, मगर ये बात आपके कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ लो क्वालिटी, इट विल इवेंचुअली लॉसेस इन द कॉम्पिटिशन। इट इज़ ओनली वंस दैट एडवर्टाइजमेंट कैन हेल्प द सेलर सेल सच प्रोडक्ट। एक बार वो मदद कर देगा उस प्रोडक्ट को बेचने में आपका एडवर्टाइजमेंट, बट इन द लॉन्ग रन प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और गलत जानकारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देने से आप लंबे समय तक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। क्लियर है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टीजमेंट के अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक बार एडवर्टीजमेंट जैसा दिखा दिया गया टीवी पे वो वैसा ही रहेगा, आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मगर एक पर्सनल सेलिंग के वक्त आप अपनी कोई बात कह रहे हो और आपने कोई गलत बात बोल दी तो आप उस पर सॉरी बोल के अपनी बात को बदल सकते हो। जैसे हमें वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कभी ना कभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हमसे भी कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं हम भी, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन टाइप जैसा हो जाता है, तो हम भी क्या करते हैं कहीं ना कहीं उस पर सॉरी बोलकर हमारी बात को बदल देते हैं, मगर एडवर्टीजमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग टू एवरी कंज्यूमर और प्रोस्पेक्ट। क्लियर है? 7, सेलर मार्केट। अगर मार्केट आपका सेलर है, देखो बायर मार्केट और सेलर मार्केट क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, मैनेजमेंट में भी पढ़ाया था जब लिबरलाइजेशन आपको पढ़ाया था। सेलर मार्केट में बेचने वाले लोग क्या होते हैं, कम होते हैं, और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और बायर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले लोग कम हैं, यानी कंज्यूमर अब किंग है 1991 के बाद। तो जो सेलर मार्केट है, जैसे हम बात करें हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, हम पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, डीजल गाड़ी के अंदर डलवाते हैं, आपने शायद इनके एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि ये सब सेलर मार्केट है, ये चीज़ें बिकेंगी बाजार के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है। सेलर मार्केट, इन अ सिचुएशन ऑफ सेलर मार्केट, सेलर डू नॉट नीड टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स कम नेचुरली लाइक एलपीजी एंड केरोसिन। क्लियर है? प्रोडक्ट विथ इनलेस्टिक डिमांड्स, इनलेस्टिक डिमांड का मतलब क्या है भाई, इनलेस्टिक डिमांड का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट की बात हो रही जिनकी डिमांड कम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट खरीदते हैं मार्केट में जाके, नमक परचेज करके लाते हैं, तो हम महीने का यार 2 kg या 3 kg या 4 kg मैक्सिमम 4 kg के आसपास हम नमक है जो मार्केट से परचेज करके लाते हैं। कभी हम 100 kg नमक एक साथ थोड़ी परचेज करके लाते हैं, नहीं करके लाते ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 100 kg नमक एक साथ परचेज करेंगे हम उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे 2-3 साल के अंदर, और वो रखा रखा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमें पता है इस चीज़ को हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर खरीदना है, तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं इनलेस्टिक डिमांड। व्हेन द चेंज इन डिमांड ऑफ अ पेड इज लेस देन द चेंज इन इट्स प्राइस, इट्स नोन एज इनलेस्टिक डिमांड। ऑल्सो व्हेन देयर इज नो इफेक्टिव चेंज इन प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट नोन एज परफेक्टली इनलेस्टिक, देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर सच प्रोडक्ट। भाई आप कितना भी टाटा नमक, सूर्या नमक, जितने भी नमक आ रहे हैं इनके टीवी पे ऐड दिखा लीजिए, कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, उसको महीने की 3 packets की जरूरत है तो वो 3 ही packets को परचेज करेगा। क्लियर है? तो ये है प्रोडक्ट विद इनलेस्टिक डिमांड। द नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ट्रेडिशन एंड फीलिंग ऑफ जनरल पब्लिक। और एडवर्टीजमेंट कभी ना कभी इनइफेक्टिव हो जाता है, गलत हो जाता है, अगर उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिक की फीलिंग्स के अगेंस्ट, सोसाइटी में जो ट्रेडिशन है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, हमारे जो सोशल रिलीजन्स हैं, उन सब के अगेंस्ट अगर दिखा दिया गया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो सकती है। जैसे एग्जांपल में लिखा है, इस पॉइंट में देखना, फॉर अ वेजिटेरियन एन एडवर्टीजमेंट ऑफ मीट सेलिंग ब्रांड इज टोटली इररिलेवेंट। अगर बात की जाए किसके लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मीट सेलिंग का एडवर्टाइजमेंट अगर दिखाया जा रहा है ये बताया जा रहा है तो वो उनके लिए इरेलीवेंट है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने 9 points डिस्कस किए हैं जो मैं बता रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहला, एडवर्टीजमेंट लेस इफेक्टिव है।
डिफेक्टिव हो जाता है, सेल्स मैन है उसकी वजह से पुअर फीडबैक है, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, पर्सनल सेलिंग में मिल जाता है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपकी सेलिंग नहीं हो सकती है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप एक बार सेल कर दोगे बार बार नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चेंज नहीं हो सकता, सेलर मार्केट के अंदर बिल्कुल इसकी नीड ही नहीं है। इनलेस्टिक डिमांड वाले केस के अंदर एडवर्टीजमेंट बिल्कुल काम का नहीं है, और एडवर्टीजमेंट करते वक्त आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आपने रिलीजियस और इन चीज़ों के खिलाफ एडवर्टीजमेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होने वाली है। जैसे हमने देखा था एक वेजिटेरियन के लिए मीट का एडवर्टीजमेंट बिल्कुल ही खराब है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन, उसको क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कौन कौन से मेथड और मीडिया हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, ये सब टॉपिक समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम एडवर्टाइजमेंट वाले सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, आगे की क्लासेस के अंदर हम इसे और सही से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।